केंद्र की राजनीति में झारखंड का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में झारखंड के नेताओं का अहम रोल रहा, तो वहीं अब मुख्यमंत्री के चयन में भी झारखंड के नेता अहम रोल निभाएंगे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में झारखंड के बीजेपी नेताओं की अहम भूमिका देखने को मिली। बीजेपी नेताओं ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में दिन रात लगे रहे, तो अब सीएम के चयन में भी झारखंड के नेताओं को अहम जिम्मेवारी मिली है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जहां मध्य प्रदेश के सीएम के चयन में अपनी भूमिका निभाएंगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर अपने मोहर लगाएंगे। केंद्र की राजनीति में झारखंड का बढ़ता दबदबा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में झारखंड के नेताओं की अहम भूमिका। सीएम के चयन में झारखंड के नेताओं को मिली अहम जिम्मेवारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का मिला अतिरिक्त प्रभार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का झारखंड पर विशेष फोकस है। केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले 5 महीने में प्रदेश के पार्टी संगठन में व्यापक बदलाव किए हैं। आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, तो वहीं अमर कुमार बाउरी को विधायक दल का नेता बनाकर अनुसूचित जाति को साधने का प्रयास किया है। बीजेपी को पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत में आदिवासी वोटरों का काफी योगदान रहा है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का झारखंड पर विशेष फोकस है। वहीं अब इसको लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। देखिए, झारखंड प्रधानमंत्री जी के दिल के हमेशा करीब था। वो हमेशा झारखंड आया भी करते हैं और बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे 75 वर्षों के इतिहास में। और जब विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग थी, तो उन्होंने झारखंड को चुना था इसके लिए। और जब अब फिर से सबसे बड़ी यात्रा निकल रही है पूरे भारत की विकास संकल्पित यात्रा, तो इस संकल्प यात्रा की भी लॉन्चिंग इन्होंने झारखंड के खूंटी से की थी। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का उत्थान हो। माँ आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को कृषि मंत्रालय का प्रभार मिला, ये पूरे झारखंड के लिए फख्र की बात है। समय समय पर पार्टी उचित स्थान देती है, पर्यवेक्षक बनाकर, प्रभारी बनाकर, और झारखंड पार्टी के फोकस में हमेशा रहता है। 1 से 10 तक अगर गिनती करेंगे लोकप्रियता के मामले में, तो 1 से 10 तक में भी हेमंत सोरेन 11वें नंबर से आएंगे, जो भी लोग भाजपा के नेतागण हैं। चूंकि झारखंडी जनता ने देखा है, पहली बार एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, माटी का बेटा, सन ऑफ सॉयल, तो ऐसा मौका झारखंड को कभी नहीं मिला था। और जो झारखंडी विषयों पर जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री की, चाहे जो भी विषय आप ले लें, सरना धर्म कोड की बात करें, आप 32 खतियान आधारित नियोजन नीति की बात करें, पिछड़ों के आरक्षण की बात करें, और कई एक ऐसे लाभकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई है जिसकी सोच भी किसी को नहीं थी। कोई सोच भी नहीं पाता था कि सरकार किसी के द्वार पहुंचेगी। अब लोगों को प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, अब प्रखंड के लोग उस ग्रामीण जनता के दरवाजे पर जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, शिविर लगाते हैं और उनकी समस्याओं का निष्पादन करते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का झारखंड पर विशेष फोकस। आदिवासी वोटरों पर बीजेपी की नजर। आदिवासी नेताओं को केंद्र में मिली अहम जिम्मेवारी। बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई निशाने साधने की है। बीजेपी की कोशिश अब छिटके आदिवासी मतदाताओं को फिर से अपने साथ लाने की है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व का फोकस आदिवासी नेताओं पर है, और अब बीजेपी को इस मूव का कितना फायदा मिल पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।